तासाम त्रिवृत्तम त्रिवृत्तम एकैकाम करवाणी इति अत्र खलु नाम व्याकरणम संज्ञा क्लृप्ति। तो जो ये नामों का व्याकरण है उसको तो सूत्र में संज्ञा क्लृप्ति कहा है कि ये मनुष्य होगा, ये गाय होगा, भैंस होगा, इस तरह से जो नामों की जो अभिव्यक्ति है, नाम व्याकरणम संज्ञा क्लृप्ति ही, और रूप व्याकरणम मूर्ति क्लृप्ति। सूत्र में जो मूर्ति क्लृप्ति है वो क्या है? रूप व्याकरणम, रूप का अलग अलग खोल के बताना। ते उभे अपि जीवात्मना सह अनुप्रविश्य शरीरे परमात्मा एव करोति। तो कह रहे हैं ये दोनों काम मतलब संज्ञा क्लृप्ति और मूर्ति क्लृप्ति, ये जीवात्मना सह अनुप्रविश्य, जीवात्मा के साथ साथ ही प्रवेश करके परमात्मा एव करोति, परमात्मा ही करता है, जीवात्मा नहीं करता है। यदा ही गर्भे जीवात्मा प्रविशति तदेव परमात्मनो अपि तद अनुप्रवेशेन अवश्यं भवितव्यम्। उसको खोल रहे हैं जो मैं आपको बात कह रही थी, कह रहे हैं जब ये यदा ही जीवात्मा गर्भे प्रविशति, जब ये जीवात्मा गर्भ में प्रवेश करती है तदैव उसी समय परमात्मनो अपि तद अनुप्रवेशेन, परमात्मा भी उसके साथ साथ ही प्रवेश करते हुए अनुप्रवेशेन अवश्यम भवितव्यम। तो बोले उसके साथ साथ उसका अनुप्रवेश भी वहाँ होना ही चाहिए, उस परमात्मा का भी। क्यों? तस्य विभुत्वात्, विभु होने से, मतलब केवल जीवात्मा अकेला कहीं अनुप्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि जहाँ जहाँ जीवात्मा जा रहे हैं वहाँ वहाँ परमात्मा भी तो है ना। तो उसके अनुप्रवेश करने से, यदा ही गर्भे जीवात्मा प्रविशति तदैव परमात्मनो अपि तद अनुप्रवेशेन अवश्यं भवितव्यं तस्य विभुत्वात् तदानीं शरीरंग निर्माणं परमात्मा जीवार्थं करोति। और कह रहे हैं तब शरीर के अंगों का निर्माण परमात्मा इस जीव के लिए करता है, क्योंकि शुरू में तो एक ही मांसपेशी होती है ना, तो उसके बाद ही फिर अलग अलग अंगों का निर्माण परमात्मा करता है। वो किस लिए करता है? इस जीव के लिए। न जीवात्मा तत्कर्ता अस्ति, जीवात्मा इस शरीर का कर्ता नहीं है। स तु निमित्ति खलु अस्ति, जीवात्मा निमित्त तो बनता है, क्योंकि तन निमित्तम ही करोति परमात्मा, क्योंकि उसके लिए ही तो परमात्मा इस शरीर बना रहा है। तस्य भोग साधनाय, उसके भोग साधन के लिए ही तो बना रहा है परमात्मा। कुतो अवगम्यते परमात्मा शरीरे अंगानाम विरचयिता। बोले आपको ये कैसे पता लगा कि इस शरीर के अंगों का रचयिता परमात्मा ही है, परमात्मा बना रहा है, ये कैसे पता लगा आपको? तो कहा उपदेशात, तत्र उपदिश्यते, इसका शास्त्र में उपदेश होने से। त्रिवृत्त करणस्य कर्ता परमात्मा, त्रिवृत्त जो करण है इसका कर्ता कौन है? परमात्मा। माने इन तीनों को भी एक साधन बनाने वाला, जल अन्न और पृथ्वी को, ये परमात्मा है। स एवच शरीर अंगानाम अपि, और वो परमात्मा ही शरीर के अंगों का भी रचयिता है। सेयम देवता शब्देन, या खलु देवता परमात्मा। तो बोले ऊपर जो हमने कहा था सेयम देवता, इस शब्द से कौन देवता लिया गया है? परमात्मा देवता। और वो परमात्मा देवता तेज अब अन्नानाम, तेज जल और अन्नों का त्रिवृत्त करता, उसका उस त्रिवृत्त का वो करता है। सही देवता परमात्मा, तो वो ही परमात्मा देवता देव शरीरे नाम रूपयो करता, जो इस त्रिवृत्त का करता है वही नाम और रूप का भी करता है। उसने साधन क्या बनाया इस शरीर को बनाने के लिए? रॉ मटेरियल क्या लिया? अग्नि जल भूमि अन्न, और इससे तो क्या बनेगा? मूर्ति। और उसकी संज्ञा क्या होगी? नाम और रूप। ये किसने दिया? ये भी परमात्मा ने दिया। तो परमात्मा ने दो काम किया ना, त्रिवृत्त को भी बनाया और त्रिवृत्त के माध्यम से इस शरीर को भी नाम और रूप वाला बनाया, ये कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ अभी समय हो गया तो विराम लेना पड़ेगा। तो कह रहे उसका उपदेश है, ऐसे हमें पता लगा, त्रिवृत्त करणस्य कर्ता परमात्मा, स एवच शरीर अंगानाम अपि, सेयम देवता, ऊपर जो प्रमाण है शास्त्र का, तो वहाँ पर सेयम देवता इस शब्द से
खलु देवता परमात्मा, वहां जो देवता शब्द है वो परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है, और परमात्मा ने तेज अब अन्ना नाम त्रिवृत करता, जैसे ये परमात्मा तेज जल और अन्नों इस त्रिवृत का करता है, सही देवता परमात्मा वही परमात्मा देवता शरीरे नाम रूपयोर अपि करता, वही इस शरीर में नाम और रूपों का भी करता है। अपिच और भी एक प्रमाण दे रहे हैं, सेयम देवता अनुप्रविश्य व्याकरवाणी, एक जो दूसरा प्रमाण दिया था कि वही देवता अनुप्रविश्य आत्मा के जीवात्मा के साथ साथ अनुप्रवेश करके व्याकरवाणी इसको विस्तार देता है। इत्यत्र यहाँ पर समान कर्त्री कयो हो पूर्व काले, तो ये अष्टाध्यायी का भी इन्होंने उदाहरण दिया। समान कर्त्री कयो हो पूर्व काले का क्या अर्थ है, जहाँ पर दो क्रियाएं हो रही हों एक साथ, तो पहली वाली जो क्रिया है उससे त्वा प्रत्यय का प्रकरण चल रहा है ना, यहाँ त्वा को लप होता है फिर, तो जैसे कांडम कृत्वा गतवान, कांड करके चला गया, तो एक ही व्यक्ति दो काम कर रहे हैं ना, पहले कांड किया फिर चला गया, जैसे खाना खा के चला गया, तो पहले खाना खाने वाला भी वही है और जाने वाला भी वही है, तो ये जो पहले खाना खाने की जो क्रिया है इससे त्वा प्रत्यय होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये परमात्मा क्या है, दो क्रियाओं का समान ही करता है, एक क्रिया है त्रिवृत्त और दूसरा त्रिवृत्त को बनाना और दूसरा नाम और रूप को बनाना। इति प्रमाणादपि उभयत्र कर्ता समानः, बोले इस अष्टाध्यायी के प्रमाण से भी क्या पता लग रहा है, इन दोनों क्रियाओं का एक ही करता है, अनुप्रविश्य का व्याकरवाणी का, तथा च अन्यत्र अपि नाम रूपयोर विधाता परमात्मा ही उपदिश्यते, और कह रहे हैं वैसे ही अन्यत्र भी नाम और रूपों का विधाता परमात्मा ही है, ऐसा उपदेश किया गया है। अब छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण दे रहे हैं, आकाशो वही नाम रूपयोर निर्वहिता, आकाश ही सब नामों और रूपों का निर्वहन करने वाला है, तो आकाश तो जड़ है, तो यहाँ आकाश से किसको लिया है, परमात्मा को, पहले आया था ना ये आकाश परमात्मावाची शब्द है, ये पहले आया था ना, प्रथम अध्याय में ही आया था, प्रथम पाद में ही आया था, हाँ, तो ऐसे यहाँ छांदोग्य उपनिषद में भी आया है कि अन्यत्रपि नाम रूपयोर विधाता परमात्मा ही उपदिश्यते, आकाशो वही नाम रूपयोर निर्वहिता, स्मृतौ अपि, और स्मृतियों में भी, ये तो श्रुति का हो गया प्रमाण, स्मृति में भी, सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक पृथक, बोले स उस परमात्मा ने सर्वेषां नामानि कर्माणि च पृथक पृथक, सब नामों को और उन नामों की कर्मों को, कर्माणि मतलब जो जो वो नाम है उनके कर्म, उनको उसने अलग अलग बनाया, वेद शब्देभ्य एव आदौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे, ये मनुस्मृति का दे दिया इन्होंने, अलग अलग उन्होंने इनके संस्थाओं को और इनके कार्यों को, जैसे एक तत्व बनाया वायु तो उसका काम क्या है, बहना, एक तत्व बनाया अग्नि तो उसको नाम दिया ये अग्नि है, और उसका कर्म क्या होगा, प्रकाश देना और ऊष्मा देना, तो ऐसे सबके नाम और सबके कर्म अलग अलग बना दिए, जैसे कोई कुम्हार एक बर्तन बनाता है ना एक ही मिट्टी से, तो अलग अलग बर्तन बनाता है, यद्यपि हैं तो सब मिट्टी वाले ही, लेकिन उनके नाम और रूप के साथ साथ उनके कर्म भी अलग उसी समय वो ही तय कर देता है, जैसे उस मिट्टी से मानो उसने घड़ा या सुराई बनाया, तो अब इसका कर्म भी तय हो गया कि ये जो आकार है नाम रूप है ये जल को धारण करेगा, और मानो उसी मिट्टी से उसने चिलम बनाई, तो उस आकार उस नाम और रूप के साथ उसका कर्म भी तय हो गया कि ये अग्नि को धारण करेगा, ये जल को धारण नहीं करेगा, बनाया उसी ने ही है, रॉ मटेरियल भी एक है, लेकिन नाम रूपों की पृथकता से उनके कर्म भी पृथक पृथक हो गए, तो जैसे घोड़े का वही त्रिवृत्त से ही उसकी सृष्टि हुई, तो उसके साथ ही उसका कर्म भी तय हो गया कि ये या तो भार ढोएगा या तो गंतव्य स्थान पर पहुंचाने का काम करेगा,
मोक्ष को प्राप्त करेगा ये उसका काम नहीं है, उसके लिए नहीं है ये। तो ये कह रहे हैं ये सब परमात्मा ने ही तय किया है। सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एव आदौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे वेदे च, और वेद में भी कहा यो देवानाम नामधा, वो परमात्मा ही सब देवों के नाम को धारण करने वाला है। अर्थात सारे नाम परमात्मा से ही मिले हैं, जिनको हम आज देव कहते हैं, पंचभूत अग्नि जलवायु पृथ्वी आकाश आदि कहते हैं, ये सब देवता इनके नाम को धारण करने वाला और इन देवों को भी धारण करने वाला वही है। तस्मात् परमात्मा ही शरीरे स्थूल अंगानाम अपि निर्माता इति निर्वद्यम्। इसलिए स्थूल शरीर के अंगों का निर्माता भी परमात्मा ही है, ये बात निर्वद्यम्। इसमें बिल्कुल ठीक, बिल्कुल यही प्रामाणिक बात है, इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है, अवद्य नहीं है, ये निर्वद्य है, यही शाश्वत सत्य है। ताहा तेजो अब अन्न रूपाः अग्नि जल भूमि रूपाः तिस्रो बहि त्रिवृत भूता देवताः इमा तिस्रो देवता पुरुषं प्राप्य त्रिवृत त्रिवृत एकैका भवति इत्थं त्रिवृत त्रिवृत्त्वं पुनः कथं गच्छन्ति इति उच्यते। कह रहे हैं तेज जल और अन्न, ताहा तेजो अब अन्न रूपा अग्नि जल भूमि, तो ये तीन भूत हो गए, तेज का मतलब अग्नि, अप का मतलब जल और अन्न का मतलब भूमि। तो अग्नि जल भूमि रूपाः तिस्रो बहिः, ये तीनों क्या हैं, बहि बाहर के, मतलब स्थूल रूप है इनका। तिस्रो बहि त्रिवृत भूता, ये तीनों बाहर दिखाई देते हैं और ये त्रिवृत भूत देवता हैं। इमा तिस्रो देवता पुरुषम प्राप्य, तो ये तीनों जो स्थूल देवता हैं ये इस पुरुष को प्राप्त करके, जीवात्मा को प्राप्त करके त्रिवृत त्रिवृत एकैका भवति, तीनों ही त्रिवृत त्रिवृत माने तीन तीन जुड़ करके एक एक पदार्थ को बनाते हैं, त्रिगुणात् त्रिगुणात्मक सब वस्तुएं हैं। ये यहाँ पर त्रिगुणात् का मतलब सत्व रज तम नहीं है, यहाँ पर क्या है, अग्नि जल और पृथ्वी। तो कह रहे हैं इत्थम त्रिवृत्त्वम पुनः कथम गच्छन्ति, तो ये त्रिवृत्व कैसे बन गया, ये कैसे परमात्मा ने ये एक अलग चीज बना दी त्रिवृत्त वाली। तो इसका उत्तर दे रहे हैं मांसादि भौमम यथा शब्दम इतरयोश्च। कह रहे हैं कि देखो मांसादि भौमम, जो मांसादि त्रिवृत्त हैं वे तो भौमम, वे तो अन्न की भूमि है, और इतरयोश्च यथा शब्दम, और जो अन्न से भिन्न जल और तेज जो है वो यथाश्रुति परिणाम है, ये जान लेना चाहिए। जैसे शरीरे यन मांसादि त्रिवृत्तम तद भौमम, जो शरीर में मांसादि का त्रिवृत्त है, मांस बना है तो किससे बना, त्रिवृत्त से, तो ये मांसादि का त्रिवृत्त आदि कहने से यहाँ पर क्या ले लेंगे, स्थूल जो जो भी है। मांसादि त्रिवृत्तम तद भौमम, वो भूमि का भाग है, भूमि अन्नस्य, और भूमि किसका है, जो यहाँ पर शास्त्र में अन्न कहा जा रहा था, तो एक तरह से अन्न का भाग है। तो जो हम खाते पीते हैं ना, तो उससे जो मांस आदि हैं ये शरीर शरीर में जो बनते हैं ये किसका भाग है, अन्न का, भूमि का। और क्योंकि इसकी अधिकता है शरीर में तो इसलिए शरीर को क्या कह देते हैं, पार्थिव कह देते हैं, पृथ्वी तत्व की अधिकता होने से। उक्तम यथा अन्नम अशिदम अशितम त्रेधा विधीयते तस्य यह स्थविष्ठो धातु तत्पुरीशं भवति यो मध्यमः तन्मांसम यो अनिष्ठः तन्मनः। ये छांदोग उपनिषद का है। तो कहा कि जो कुछ भी अन्नम अशितम, जो कुछ भी अन्न खाया जाता है इस मनुष्य के द्वारा, त्रेधा विधीयते, तो वो तीन प्रकार से उसका विधान है, वो तीन भागों में बट जाता है।
तस्य यह स्थविष्ठ धातु, जो स्थूल धातु है, उस अन्न की जो स्थूल भाग है वो तत्पुरीशम भवति, उसका तो मल बन जाता है स्थूल भाग का, तो जो भी हम खाते हैं। यो मध्यम, और जो उसका मध्यम भाग है उस अन्न का, उससे मांस बन जाता है। यह अनिष्ठ है, और जो उसका सूक्ष्म भाग है तन मनः, उससे मन बन जाता है। तो मन कोई स्थूल चीज तो है नहीं, और ये कह रहे हैं कि मन बन जाता है, तो इसका क्या अर्थ लेंगे हम? मन दुष्ट होता है, क्योंकि ये अन्न का भी सूक्ष्म भाग ले रहे हैं और मन भी सूक्ष्म है, तो उसको ऊर्जा मिलती है, एक उत्तर हो गया। और दूसरा उत्तर ये है कि यदि आप उस अन्न को स्थूल ऊर्जा के रूप में लेंगे, तो फिर ये स्थूल जो मस्तिष्क है इसकी पुष्टि होती है, मन का चलाने का जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे चक्षु के गोलक को भी चक्षु इंद्रिय कहते हैं, इसके अंदर काम करने वाले को भी। तो यहाँ पर यदि स्थूल अर्थ लेंगे तो अर्थ होगा स्थूल मस्तिष्क, और ये तो क्योंकि इन्होंने अनिष्ठ इष्ठन प्रत्यय लगा दिया, माने अति सूक्ष्म भाग है जो उसका, उससे मन की पुष्टि होती है। मन तो यद्यपि मन भी त्रिगुण से ही बना है, अहंकार से बना है ना, लेकिन तो भी उसको अणु माना है, वो स्थूल नहीं है। तो यहाँ तो स्थूल अन्न खाए जाने की बात हो रही है, तो उस स्थूल अन्न में भी जो उसका अति सूक्ष्म भाग है उससे मन की पुष्टि होती है। तो इसलिए कह दिया जाता है लोक में, जैसा खाए अन्न वैसा हो जावे मन। इतरयो च यथा शब्दम, इतरयो माने ये तो भूमि की बात हो गई, अन्न की बात हो गई, दूसरे कौन बच गए? तेज और जल। इतरयो अप तेजसो हो यथा श्रुति विज्ञेयम्, और जो दूसरे हैं इसमें त्रिवृत्त में तेज और जल, उनका क्या होता है? मूत्र लोहित प्राणा अपाम कार्यम, जल का कार्य है मूत्र लोहित माने रक्त और प्राण, प्राणों को पुष्ट करना, ये जलों का कार्य है। और अस्थि मज्जा वाक्च तेजस, ये अग्नि का काम है, अस्थियों को मजबूत करना और मज्जा का निर्माण करना, और वाणी, तो बोलते हैं ना तेजस्वी वाणी, तो तेजस्वी वाणी कैसे होती है? तेजस्वी अन्न खाने से, तो तेजस्वी अन्न खाने का भी विधान है, तो घी खाने का विधान है, घी खाना चाहिए तो वाणी तेजस्वी होगी, और रूखी सूखी रोटी खाएंगे तो रूखी सूखी वाणी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं कि जो ये, क्योंकि वो रोटी भी तो त्रिवृत्त से बनी है ना, जिसको हम रूखी सूखी कह रहे हैं, तो उसमें भी जो तेज का भाग है उससे वाणी की पुष्टि होगी, ये है। अंतिम सूत्र है वैशेष्यात्तु तद्वादस तद्वादः, कह रहे हैं वैशेष्यात् विशेषता से, अर्थात शरीरों में जो पार्थिव भाग है उसकी विशेषता होने से तद्वाद, शरीर को क्या कह दिया जाता है? पार्थिव। और दोबारा जो तद्वाद आया वो पाद की समाप्ति का सूचक है। तद्वादस तद्वाद इति द्विरुक्ति ही अध्याय समाप्ति सूची का। तद्वाद पूर्व सूत्र प्रदर्शित मांसादि भौमम इत्यादि वादह वैशेषात खलु अस्ति, बोले पूर्व सूत्र में जो मांस आदि जो है ये भूमि से अर्थात अन्न से बनता है, ये जो कहा था, तो ये जो वाद है ये वैशेषात खलु अस्ति, विशेषता के कारण, माने उसमें अन्न का भाग विशेष है, शरीर में स्थूल भाग विशेष है, ज्यादा है, इसलिए कह दिया गया है। यद्यपि भौतिकम अधि शरीरम च सर्वम त्रिवृत संभवम त्रिविन्मयम् वा अस्ति, तथापि शरीरे मांसादि भौमम् लोहितादिकम् आप्यम् मज्जादि तैजसम् तु वैशेषात् बाहुल्यात् आधिक्यात् भूयस्त्वात् उच्यते। यद्यपि भौतिक जो शरीर है, भौतिकम् अधिशरीरम् च सर्वम् त्रिवित संभवम्, जो भौतिक शरीर है ये सब क्या है? त्रिवित से ही बना है। त्रिविन्मयम वा अस्ति, या ये कहें कि त्रिवृतमय है, जिससे बना है, केवल भूमि से, केवल अन्न से थोड़ी बना है, त्रिवृत से बना है, तो त्रिवृतमय है। त्रिवृतमयम वा अस्ति, तथापि फिर भी शरीरे मांसादि भौमम,
लेकिन फिर भी शरीर में जो भूमि का भाग है, अन्न का भाग है, वो अधिक है, मांस आदि अधिक है ना। और लोहितादिकम अपि, लोहितादिकम आप्यम, जो रक्त आदि जो जलीय तत्व हैं, और मज्जा आदि तेजसंतु, और मज्जा आदि जो तेजस हैं वो वैशेषात बाहुल्यात आधिक्यात भूयस्त्वात उच्यते। तो उनमें से तीनों में से यद्यपि तीनों ही हैं, लोहित आदि भी हैं, तेजस आदि भी हैं और मांस आदि भी हैं, लेकिन अधिकता किसकी है? मांस आदि की ही है। शरीर में मांस ही ज़्यादा है, रक्त उससे कम है। यद्यपि कह तो ऐसे देते हैं कि इस शरीर में 70% पानी है, ऐसे कहते हैं ना, लेकिन देखते हैं, जब हम फिजिकली देखते हैं तो शरीर में मांस की ही अधिकता है, पृथ्वी तत्व की ही अधिकता है। जल में भी पृथ्वी तत्व है। अपर प्रक्रम, तो कह रहे हैं इसका दूसरा प्रक्रम दिखा रहे हैं। प्रकृतेर मान महतो हंकारो, हंकारात पंच तन्मात्राणि उभयमिंद्रियम तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि पुरुषः। तो ये जो सांख्य का सृष्टि क्रम है, अनेन शरीरम खलु पांच भौतिकम सूच्यते। तो इससे शरीर पांच भूतों वाला है, यहाँ तो तीन बताया ना, और कह रहे हैं इस क्रम में तो पांच भूतों वाला है। तच्च अत्र त्रिवृत संभवम उच्यते, तो इसमें भी त्रिवृत की कैसे संभावना है वो कह रहे हैं। वैशेषात आधिक्यात एव खलु, त्रिवृत कह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आकाश है ही नहीं और वायु तत्व है ही नहीं, ऐसा नहीं है, पर इन तीनों की अधिकता है, तो इनकी विशेषता है, इसलिए यहाँ पर त्रिवृत कहा। तो उससे कुछ कोई यूँ कहे कि ये तो विरोध आ गया जी, वहाँ तो पांच से बताया, यहाँ तो तीन से बताया, तो विरोध नहीं है, इनकी अधिकता होने के कारण इनका नाम लिया है आचार्य ने। अथ अन्यश्च पृथिव्या औषधयः, और एक इसका बता रहे हैं तैत्तिरीय उपनिषद का, कि सबसे पहले पृथ्वी, पृथिव्याः औषधयः, औषधिभ्यो अन्नम, अन्नात् पुरुषः। तो ये भी है, पृथ्वी से औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, औषधियों से अन्न और अन्न से पुरुष। स वा एषः पुरुषः अन्न रसमय, इसलिए ये पुरुष कैसा है? अन्नमय और रसमय है, क्योंकि उसी से उत्पन्न हुआ। तो अनेन खलु शरीरम पार्थिवम इति वाद, कुत्रचित यत् प्रतिपाद्यते सोपि वैशेष्यात् आधिक्यात् पृथ्वी भागस्य प्राचुर्यात् इति उह्यम्। तो कह रहे हैं इन भागों को देख करके, यहाँ पर कोई कहे कि भई ये तो अन्नमय और रसमय बताया, तो केवल पृथ्वी और जल से ही बना क्या शरीर? तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ये इन सब में भी इन दोनों की अधिकता होने से, अनेन खलु शरीरम पार्थिवम इति वाद, तो कोई कहे भई ये तो पार्थिव वाद हो गया, शरीर को तो पार्थिव कहा जाता है, तो इसका मतलब ये केवल पृथ्वी तत्व से बना है, ऐसे कोई कहे तो। कुत्रचित यत् प्रतिपाद्यते सोपि वैशेष्यात्, तो वो विशेषता के कारण ही है, वो पृथ्वीवाद भी अगर कहीं कोई चला है तो अधिकता के कारण ही है, पृथ्वी भागस्य प्राचुर्यात्, उसकी प्रचुरता होने से। तो इस प्रकार से ये द्वितीय अध्याय का चतुर्थ पाद समाप्त होता है, तृतीय पाद हम कल पढ़ेंगे, तृतीय अध्याय आज यहीं विराम लेते हैं। शांति 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 ही, श्री गुरुभ्यो नमः।